में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। कश्मीर में अनंतनाग ने गडुल कोकेरनाग में शनिवार को सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। यहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 12 सितंबर यानी 5 दिनों से मुठभेड़ जारी है। गडुल में बारिश के बीच फायरिंग जारी रही। सुरक्षा बलों के मुताबिक यहां एक और आतंकी के छिपे होने की संभावना है। सेना यहां भी ड्रोन के जरिए इलाके की निगरानी कर रही है। अनंतनाग में चल रहे एनकाउंटर में अब तक सेना के 2 अधिकारी, 1 जवान और 1 पुलिस अधिकारी शहीद हो चुके हैं। अंधेरा होने पर शनिवार को ऑपरेशन रोक दिया गया। ऑपरेशन को लेकर कश्मीर के ADGP विजय कुमार ने कहा कि सेवानिवृत्त पुलिस और सेना के अधिकारियों को घात लगाकर हमले वाली परिकल्पना से बचना चाहिए। ये एक खास इनपुट पर चलाया गया ऑपरेशन है। 2-3 आतंकी राजौरी तक फैले पीर पंजाल के घने जंगलों में छिपे हैं। इन सभी को मार गिराया जाएगा। इन आतंकियों में एक लश्कर ए तैयबा का कमांडर उजेर खान है। इन्हीं आतंकियों के हमले में बुधवार को सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट शहीद हुए थे। एक जवान भी शहीद हुआ है। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।